फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध तो चलेगा ही और वो चल भी रहा है, लेकिन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या जरूरी है। आप यहाँ पे जो मैप देख रहे हो उसमें ये पूरे देश का मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। यहाँ से अलास्का यूएसए से शुरू होगा, नॉर्थ पोल ये सारा रीजन हो जाएगा, साउथ पोल ये हो गया है ना, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, यहाँ अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, ये सब चीजें आपको यहाँ दिख रही है। लेकिन ये रूस है, रूस इतना बड़ा है। अब ये हिंदी वाले मैप में क्या हुआ ना कि बहुत ऐसा मतलब क्रंची टाइप हो जा रहा है सब एक जगह। उससे बढ़िया है कि हम लोग ये आप देख लो, रूस यहाँ है, रूस के बगल में ही तो यूक्रेन है, तभी तो वो मार रहा है लगातार कितने दिनों से, और वो भी लड़ रहा है। तो इस चीज को समझते हैं, रूस ये ग्रीन वाला पार्ट है और यहाँ पे आपको रिपब्लिक यूक्रेन ये वाला हिस्सा दिख रहा है। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं ये अलग अलग देशों की हैं। ये जैसे स्लोवाकिया लिखा हुआ है यहाँ, स्लोवाकिया यहाँ लाइन खींच के लिखा गया, क्योंकि छोटे से इलाके में, क्योंकि ये एचडी मैप है, बहुत कम अवेलेबल होता है लोगों के पास, तो इसलिए इसको मैनेज करने के लिए इसको कितना भी जूम कर रहे हैं आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप ये समझो यूक्रेन ये है और इसी के साथ रूस लड़ रहा है, इस हिस्से से इसने अटैक किया, बेलारूस से भी इसने कैप्चर करवा दिया, और ये जो इलाका यहाँ आपको दिख रहा है ब्लैक सी में, इसको भी कैप्चर कर लिया है, ठीक है। हम शहरों पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके शहर खारकीव हैं, बहुत सारे हैं, लुहांस्क हैं, ये सब न्यूज में आपने सुन रहे होंगे कि हाँ ये शहर को उसने कैप्चर कर लिया। मुद्दा वो नहीं है कि उसको कैप्चर किया, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि रूस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाला, सबसे ज्यादा एरिया है इसके पास, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। रूस से हम लोगों ने कौन कौन से डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे थे, S-400 है ना, ये खरीदा था, ये न्यूज में आपको चल भी रहा था, आपको पता है। रूस की बाउंड्री बहुत सारे देशों से लगती है, देखो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब इसी से निकले हुए थे। क्या हुआ 1995 में रूस का विघटन हुआ, समझ रहे हो, तो उस समय सब ये अलग हो गए, रूस 17 टुकड़ों में बटा, अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी धीरे धीरे कमजोर होते होते ये टूट गया। इसकी कहानी अलग है, बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूंगी तो बता दूंगा। तो रूस बेचारा टूटा, तो इससे ही ये निकला और इसकी आप समझ रहे हो क्रेमलिन जो था उसको उसने अटैक किया, फिर उसको कैप्चर कर लिया 2014 में रूस ने, फिर भी ये नहीं माना। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि ये जितने भी देश हैं ये यूरोप के देश हैं, रूस इकलौता ऐसा देश है पूरे दुनिया में जो यूरोप में भी फैला है, ये वाला हिस्सा उसका यूरोप में चला जाता है और ये एशिया में चला जाता है, बहुत बड़ा एरिया है। तो अमेरिका का एक संगठन है नाटो, नाटो के बारे में पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ था, आप जरूर देखिएगा। नाटो के बारे में कहा जाता है कि वो वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी कर रहा था, वो सब देशों को इकट्ठा कर रहा था, लड़ लड़ के जीत रहा था। तो अब तो लड़ाई नहीं होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब उसको कहते हैं कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन, किसी को या तो पैसे देकर के लुभा लो, किसी को कुछ रिसोर्स देकर के लुभा लो, किसी को टेक्नोलॉजी देकर के लुभा लो, उसको अपना मित्र बना दो और अपने सारे हथियार उसके बाउंड्री पे खड़ा कर दो। तो कोई भी देश जो पावरफुल होगा वो तो कहेगा कि भाई हमारे बाउंड्री पे तुम इतने अच्छे अच्छे हथियार रखोगे तो हम तो नहीं होने देंगे। सबकी अपनी सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है और वो करता भी है, चाहे वो देश हो या आप खुद हो, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। ये बहुत अच्छे संबंध थे इनके और बहुत अच्छी मतलब एक कहानी है कि आप अपनी हेल्प अगर खुद नहीं कर सकते हो, एक कहावत है, तो दूसरा कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, रूस वही कर रहा है। तो इस वजह से यूक्रेन और रूस में ये झगड़ा शुरू हुआ। इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा मुझे, ठीक है। बट यूक्रेन की बाउंड्री रूस से लगती है, किस किस देश से लगती है ये आपके लिए जरूरी है। बेलारूस से लगती है, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ग्रीन वाला पार्ट, ये मालडोवा है, एकदम ग्रीन वाला यहां जो दिखे, ब्लू वाला सॉरी, ये ब्लू वाला जो है ये मालडोवा है। उसके बाद ये रोमानिया, तो कितने देश हो गए, बेलारूस एक देश हो गया, चेक रिपब्लिक, ये जो देश आपको यहां दिख रहा है ये छोटा सा बाउंड्री लगता है जिसका, इसका नाम है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया भी लग रहा है इससे। ये बाउंड्री किसकी है याद रखिए, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पोलैंड फिर बेलारूस, तो पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, येलो वाली अगर हम बात करें तो येलो वाले से भी थोड़ा लग रहा है, और येलो वाले का नाम है हंगरी, फिर है आपका ये जो देश है यहाँ पे ये हल्का ब्लू कलर का, ये है रोमानिया, उसके नीचे आपका ये ब्लैक सी है जहां पे बी लिखा गया है। इसको यूरोप के मैप आपने मेरे मैप सीरीज में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से इस पे पढ़ा देंगे क्योंकि वो पुराना हो चुका है वीडियो। इसमें ये तीनों बाल्टिक स्टेट है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस रूस का ही एक मतलब समझ लो छोटा पार्ट है, इसलिए इसको बेलारूस कहते भी हैं। तो अब हमने देख लिया बेलारूस हो गया यूक्रेन के ऊपर,
ये मिलके इस अटैक किया था ये पता है। नीचे आएंगे आपका सी साइड है, सी साइड मतलब ये हो गया आपका ब्लैक सी, और यहां पे हो गया ये कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से यूक्रेन वॉर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ब्लैक सी का ट्रिक याद रखिए, आर यू बी जी टी, मैंने बताया था पहले भी, आर फॉर रूस और रोमानिया, रोमानिया है देखिए यहां पे रोमानिया है, यू फॉर यूक्रेन, यूक्रेन भी है, बी फॉर बुल्गारिया। आप देखोगे यहां पे एक देश होगा बुल्गारिया जो कि यहां पे बॉर्डर शेयर कर रहा है ब्लैक सी से, ये पानी वाला इलाका है, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये कुछ और है। बुल्गारिया हो गया, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, जी फॉर जॉर्जिया एंड टी फॉर टर्की, ठीक है। तो जॉर्जिया और टर्की, तुर्की यहां हो गए, और जॉर्जिया एक देश है जो यहां पे छोटा सा है, आपको इसको कवर अप करता है, समझ रहे हो आप, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, और ये आपका हो गया यूक्रेन, और ये हो गया रूस। इतने सारे देश जो हैं ये सब कवर करते हैं किसको, ब्लैक सी को। ये आपके लिए जरूरी है, ट्रिक भी मैंने दिया, आर यू बी जी टी लिख लेना आप आराम से, इसको याद कर लेना। कौन कौन से देश इसको कवर करते हैं मैप आप सर्च कर लो, उसको देख लो, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। रूस यहां पे है, आप देख रहे हो रूस इसको तीन साइड से कैप्चर करके रखा है, प्लस ब्लैक सी पे भी कब्जा करके रखा है मैक्सिमम पार्ट पे, और ये बगल के पड़ोसी देश हैं। यूरोप का पूरा मैप अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे देशों से भरा पड़ा है, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, आपके जो चेक रिपब्लिक हो गया, जर्मनी, पोलैंड, ये सब देशें हैं। ये सब हम एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, आपको दो ही चीजें याद रखना है, लैंड बाउंड्री किससे किससे लगता है, और ये बाउंड्री किससे किससे लगता है, सी बाउंड्री। अब आ जाते हैं कैस्पियन सी पे, कैस्पियन सी रूस एक साइड से है, इसमें रूस कैस्पियन साइड में भी एक साइड से है और ब्लैक सी में भी है, लेकिन ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और अजरबैजान, इनसे लगा हुआ है, रूस, कजाक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। अब यहां कंफ्यूजन होगा, कोई आपसे कहेगा कि उज्बेकिस्तान भी लगा हुआ है, तो उज्बेकिस्तान देखो लैंडलॉक्ड है या अंदर है, तो ये नहीं लगेगा, इसलिए याद रखो तुर्क कजाक, तुर्क कजाक कहां पे है, कजाकिस्तान में है, यहां अजरबैजान भी है, और ये रूस से इसकी बाउंड्री लगती है, और इधर वाला पार्ट है ईरान, यहां देखिए, तो ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, और ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है, इतने सारे देश कैस्पियन सी को जुड़े हुए हैं। ब्लैक सी का मैंने ट्रिक दिया है, इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, कजाक, तुर्क, ईरान, मैं आपको बता रहा हूं, कजाक, तुर्क, ईरान, अजरबैजान, रूस, सिंपल है, पांच ही देश हैं, दो चार बार देखोगे आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ मैंने भेजे हुए हैं अपने टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये चीज आप याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आए, आगे बढ़ने से पहले ये बताना कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, उसकी करेंसी कौन सी है, दोनों चीजें आपको कमेंट करनी है। थैंक यू सो मच।